जैसे जैसे ये जिहाद बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसलिए बढ़ना है, किस रेट पे बढ़ना है अभी हमें नहीं पता। इंशाल्लाह एक हफ्ते तक हमें वो भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेटा आ रहा है सारी जगह से, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ये फंड रेजिंग कर रहे हैं, ये सारा जो भी पैसा इकट्ठा होगा मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हम एफर्ट लेके आ रहे हैं, हम पूरी तरह आपके पीछे खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे हर किस्म की, कौम गवर्नमेंट सब आपके पीछे खड़ी है, और इंशाल्लाह आपकी प्रोटेक्शन हमारी नंबर वन प्रायोरिटी होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कोरोना के हवाले से पहले तो आपको जो अब से कुछ देर पहले मावन खसूसी बराए सेहत ने हमें केसेस बताए हैं, 2039 मुतासरा केसेस पाकिस्तान में, 178 केसेस का इजाफा हुआ पिछले 24 घंटों में, 17,000 से कुछ जायद जो हैं वो मुशतबा केसेस हैं, 26 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं इसके हवाले से। और आज इंतहाई अहम इजलास नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, एनसीसी का छठा इजलास, जिसके बाद अभी तक जो वफाकी हमारी टीम थी उन्होंने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की, ब्रीफ किया, पूरे आवाम को बताया कि क्या फैसले लिए गए। बताते चलें कि चारों जो वज़राए आला थे वो इसमें शरीक थे, आला अस्करी क़यादत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, अहम वज़रा भी इसमें शरीक थे इस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में। और अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि तमाम इकाइयां एक पेज पर, और मज़ीद 2 हफ्तों का ये लॉकडाउन होगा। जाहिर है वफाक से बंदिश ही कह रही है, लेकिन बहरहाल आज असद उमर साहब जब ब्रीफ कर रहे थे तो उन्होंने बिल आखिर ये कह दिया कि इस बंदिश से अब तक ये देखा गया है कि मस्बत नतायज आ रहे हैं, लिहाजा इसको मज़ीद 2 हफ्ते के लिए कंटिन्यू किया जाएगा, जिसके बाद फिर देखा जाएगा जब तक और डेटा सामने आ जाएगा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कोरोना रिलीफ फंड है उसका भी बाकायदा तौर पर आगाज करते हुए लोगों से अतिये की अपील की, कहा कि डैम के अंदर जो फंड, जो डैम फंड था वो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया था, वो डैम्स के लिए है, वो महफूज है, और ये फंड जो है उन्होंने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी, लिहाजा लोग दिल खोलकर अतिया करें। साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स जो है उसकी भी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है, उन्होंने उस ऐप का, उस लिंक का भी उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर दिया और बताया जा रहा है, और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नौजवान इसमें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हों, जिसका मकसद आगही होगा, जिसका मकसद कोरोना के ख़िलाफ़ जो भी इस बंदिश से या लॉकडाउन कह लीजिए इससे मुतासर हो रहे होंगे उन तक, घरों तक इमदाद पहुँचाना होगा। आज के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये फैसले भी लिए गए हैं कि अब 3 तारीख से लेके 11 तारीख तक कुछ परवाजें पीआईए की स्पेशल फ्लाइट्स मुख्तलिफ ममालिक जाएंगी, वहाँ से हमारे लगभग 2000 पैसेंजर्स वापस भी लेकर आएंगी, उनकी एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाएगी, उनके टेस्ट किए जाएंगे, फिर जिनके मस्बत नहीं आएंगे उनको जब घरों को रवाना किया जाएगा तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ किया जाएगा, और इसको रिव्यू करते रहेंगे, और फिर उसके हवाले से ये फैसला किया जाएगा कि किस तरह से बकिया लोग जो आना चाहते हैं या फ्लाइट ऑपरेशंस को किस हद तक खोला जा सकता है। बहरहाल जो अहम बात है वो यही है कि मस्बत नतायज आ रहे हैं इस लॉकडाउन के, सो आई एम श्योर कि नाउ इसको कंटिन्यू करने के लिए खुद, बल्कि आज तो मावन खसूसी बराए इत्तलात ने भी ये कहा कि इसको मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी एक्शन प्लान जो है वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं, और इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। देखना यह है कि कोरोना के खिलाफ जो ये जंग है ये जाहिर है कि सबने मिलकर लड़नी है। अब तक किए गए फैसलों पर बात करेंगे कि क्या आज के फैसलों से एटलीस्ट अब ये लगता है कि वज़ीर आज़म और वफाक बिल्कुल एक पेज पर है, और वो समझ रहा है कि सूबों ने जो अब तक फैसले लिए हैं वो बिल्कुल ठीक लिए हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, कौमी असम्बली की मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इस्लामाबाद से। उज़्मा कारदार साहिबा मेंबर पंजाब असम्बली, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से, जबकि सेनेटर बहरा मनटांगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं हमारे साथ, वो खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इससे पहले कि गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ किया जाए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम फैसलों के हवाले से और कोरोना रिलीफ टाइगर्स फोर्स जो है उसके हवाले से, क्योंकि उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है। वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड देन स्टार्ट द डिस्कशन।
वेलकम बैक। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बंदिश जारी रहेगी। रुमीना साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। आप भी समझती हैं कि ये एक अच्छा कदम है और चारों जो इकाइयां हैं उनकी बात जो है बिलाखिर विफाक समझ रहा है कि हाँ मजबूत नतायज आ रहे हैं, लिहाजा इसको लॉकडाउन को कंटिन्यू रहना चाहिए। सबसे पहले नादिया बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए, और आपके प्रोग्राम की तमाम तर अपने पाकिस्तान के जो बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको कहूंगी कि कोरोना का मुकाबला अब हम इसी तरह से कर सकते हैं कि एक जो एहतियाती तदाबीर है और सोशल डिस्टेंस जो है उसको कायम रखते हुए। जहां तक इस इम्पोर्टेंट आपने बात की मीटिंग की, तो आपको याद होगा कि सुबह सिंह ने तो सबसे पहले इसमें लीड ली और उन्होंने बहुत पहले इस चीज का जो है वो आगाज किया था। और उस टाइम आपको याद होगा कि वफाक जो है वो इस चीज के लिए एक्टिव नहीं था, यही बात हो रही थी कि वी आर नॉट रेडी फॉर द लॉकडाउन। और अभी भी काफी देर तक कंफ्यूजन रही, लेकिन चले बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, एक बात। दूसरी बात जो है कि तमाम तर ऑपोजिशन जो है वो तो शुरू दिन से ही ये कह रही थी कि वी नीड टू डू दैट, क्योंकि अकलमंद वही होता है जो दूसरों के तजर्बे से सीख के जो है वो फैसले ले और वो गलतियां ना करे। तो मेरे ख्याल में शुक्र है कि अभी तक जो है पाकिस्तान जो है वो उस तरह से, खुदा ना करे कि रैपिडली जो हम लोग इटली, अमेरिका और दूसरे ममालिक में देख रहे हैं वो। और दूसरी बात जो सबसे जरूरी है नादिया, टाइम मैं समझती हूँ कि तजर्बात करने का वक्त नहीं है, यहाँ पर जरूरत है कि सबको मिलकर यूनाइटेड होकर एक फॉर्म पे, एक पेज पे होने की जरूरत है। अगर हम अपने दुश्मन के खिलाफ जो चाहे कोई भी ऐसे एक्शन हो, तो हम लोग अपनी कौम, अपने जो लीडरशिप, अपनी जो गवर्नमेंट है उसका साथ देने तैयार है, तो इस मकसद के लिए भी यहाँ तमाम तरह ऑपोजिशन मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप रवैये देख ही रही हैं। दूसरी बात, क्योंकि मैं चाहूंगी कि जल्दी इससे बात जो है वो कर सकूं, जहां तक टाइगर फोर्स की जी, तो उसको जरा आगे चल के डिस्कस करते हैं ना, उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। अभी इस गुफ्तगु को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊं, सिंध पे बड़ी क्रिटिसिज्म आई थी और अभी कल तक भी हम देख रहे थे काफी क्रिटिसिज्म की जा रही थी, जबकि वजीर आला सिंध ने बैरामन साहब ये बारह कहा कि काश मेरी बात मान ली जाती और भी पहले, तकरीबन 10 दिन पहले अगर हम ये ट्रेनों की आमदोरफ्त और एयरपोर्ट्स की बंदिश शुरू कर देते तो आज नतायज और बेहतर हो सकते थे। आज आप समझते हैं कि चले, जैसे रुमीना कह रही हैं कि बहुत अच्छी बात है कि एक तो केसेस जो हैं उसका राइज कम है, अभी तक तो यही पता चल रहा है, लेकिन बहरहाल जो 17,000 से कुछ ज़ायद मुश्तबा केसेस हैं वो भी अभी अपनी जगह कायम है, लेकिन दो हफ्तों की बंदिश जिस पे अच्छी तरीके से इत्तलाक होना लाजिम होगा तो हमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। जी सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू नादिया। नादिया देखिए, बात ये है कि आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले मेरी स्पीच रिकॉर्ड पे मौजूद है कि सेनेट फ्लोर पे मैंने एक तजवीज दी थी कि ये 26 फरवरी से पहले की बात है जो पाकिस्तान में कोई केस सामने नहीं आया था। ठीक है, मैंने तजवीज ये दी थी कि आप हुकूमत के जिम्मेदार को चाहिए कि वो सीरियसनेस दिखाएं और बॉर्डर्स पे आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए ताकि वहां पर लोग अगर आते हैं और आप छोड़ते हैं तो उनको 14 दिन वहां पर एक ऐसी जगह बना दे, उनको बिठा दे, एयरपोर्ट्स पे ऐसी स्कैनिंग स्क्रीनिंग की मैकेनिज्म बना दे ताकि लोग बाहर से आते हैं उनको बिठा दे। इसी तरह मैंने अवेयरनेस सेशन के बारे में कहा था कि आगाही मुहिम शुरू करे, और साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि जो एडवाइजर है जफर मिर्जा साहब वो संजीदा नहीं दिखा रहा था। मैंने स्टूडेंट्स के बारे में रिक्वेस्ट की थी, उनके साथ लेजान की, उनके वालिदैन के साथ, लेकिन फिर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वो मेरे वजीर आजम है, वो मेरे हेल्थ मिनिस्टर है और हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े। जो कि शुरू से हमने नेशनल इश्यूज पे और नेशनल काज पे हमने कहा था कि आगे बढ़े, हम आपके साथ दे रहे। लेकिन नादिया मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ये वबा जो है ये सियासत नहीं है, इस पे अगर हम पॉलिटिकल स्कोरिंग करें, अगर इस पे हम पर्सन पॉपुलरिटी बात करें, अगर इस पे हम ऐसा काम करें कि लोगों हमारे ऊपर हंसे, मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि नो डाउट कि 26 फरवरी पे जब पहला केस आया सिंध में, तो फिर आप हमारी स्ट्रेटेजी को देख ले, हमारे सीएम साहब की स्ट्रेटेजी को और चेयरमैन की स्ट्रेटेजी को देख ले कि वो नजर आ रहा है कि एक सूबे में हुकूमत है। लेकिन मैं लॉकडाउन की बात जो करता हूँ 15 दिन की, आज चलो प्राइम मिनिस्टर साहब ने
उसको उसके साथ एग्री किया। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि क्या लॉकडाउन का मतलब ये है कि लोग घरों में बैठे, हाँ ठीक है, तो अगर लोग घरों में बैठते हैं तो सिंध हुकूमत ने उन लोगों के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि उनके दहलीज पर उनको राशन मिलता है। देखिए सारे सूबों का ये काम है और यही एक सबसे बड़ा ऑपरेशन इसके साथ है कि एक तरफ आपने फैलाव रोकना है और एक तरफ लोगों तक ये इमदाद भी पहुंच जाए। सेनेटर साहब आप क्योंकि आपने इस लॉकडाउन का जिक्र किया, पहले जरा उज्मा को लूप इन करें और उनसे इसका जवाब ले लें और उसके बाद जो इमदाद के हवाले से बात है, जो कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से बात है, जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के हवाले से बात है, ये बड़ी अहम बात है। उज्मा साहिबा, मजबूत नतायज पंजाब में भी आ रहे हैं, आप समझती हैं इस बंदिश के? सिंध ने भी जिस तरह से वक्त की कमी की, आज पहला दिन है पंजाब में भी कि शाम 5 बजे आपके बाजार बंद हो गए हैं, जो खाने पीने की अशियाँ हैं, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, राइट? जी जी बिल्कुल। तो आप भी समझती हैं कि मजीद 2 हफ्ते जो अब सूबों ने मजीद मांगे कि 2 हफ्ते हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए है, उसमें मजीद इत्तलाक की जरूरत है और स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है या नरमी की जरूरत है? जी नादिया, बहुत शुक्रिया आपने किया। आपने बाकी लोग भी हैं एक वर्ड यूज करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूज, असल में प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूज कभी भी नहीं थे, वो बहुत क्लियर थे, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। प्राइम मिनिस्टर ने हिकमत से एक सारी जो कोऑर्डिनेशन है पूरे तमाम सूबों की, उन्होंने डेली मॉनिटरिंग के बाद और बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपने हालात के मुताबिक जो है सारे फैसले लिए और वो फैसले जो है उनके अच्छे नतायज आपके सामने हैं। ऑन रिकॉर्ड है उज्मा के प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट हैप्पी विद सिंध गोइंग इन अ लॉकडाउन। मीडिया के प्रेशर में सब बाकियों से पूछ रहे हैं सूबों से कि आप कब करेंगे। ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग ऑल दिस एंड ही डिडंट लुक हैप्पी, ही डिडंट साउंड हैप्पी। देखिए सिंध जो था वो भी शुरू में पार्शियल लॉकडाउन में गया था और सबसे पहले जो हमारे पेशेंट जो कोरोना वायरस के थे वो सिर्फ में आपको उनका पता चला था, उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था। देखिए नादिया, 200 ममालिक इस पेंडेमिक की दर्द में आए हैं, आप कैसे लोगों से सीखना करें, आप किससे सीखें, कौन से उन 200 ममालिक में से ऐसे लोग हैं जिनसे आपने सीखना, हर एक का तजर्बा अलहदा था, उनके हालात के मुताबिक था। आपने देखा कि बड़ी बड़ी सुपर पावर जो है, अमेरिका है, यूरोप है, उन्होंने अपने घुटने टेक लिए, वो भी जो थी नब्ज आसमान नहीं हो सकी, हालांकि उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं हमसे 1000% से ज्यादा बेहतर है, 1000% हमारे से बेहतर है, तो हम किसकी तरफ देखते, हमने अपने हालात की तरफ देखना था। और प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा फिक्र जो कि नरेंद्र मोदी ने जो बहुत बड़ी गलती की और लोगों के सामने भी आ गई कि जो दिहाड़ीदार मजदूर 25% आपकी पॉपुलेशन जो $2 से कम कमाती है और 20% जो बिल्कुल मार्जिन पे है, उनका आपने कोई सोशल प्रोटेक्शन नेटवर्क तैयार किया था, कोई प्लान तैयार किया था? आप वुहान की तरह, ठीक है 2 करोड़ आबादी थी, सबको उन्होंने लॉकडाउन करा दिया, लेकिन फिर सबको उन्होंने राशन भी पहुंचाए ऑनलाइन, वो एक ऐसी नेशन है उनको सबको घर कुछ मिला। आपने घर बैठे का कोई अगर नहीं प्लान बनाया, आप नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी अपनी कौम से, 20,000 लोग जो थे माफी मांगी, उन्होंने कहा लेकिन ये लॉकडाउन रहेगा, ये प्लीज लेट्स नॉट कोट इट रॉन्ग, ही सेड द लॉकडाउन विल कंटिन्यू। नहीं, उन्होंने देखे आप, उन्होंने कहा कि मैंने वक्त से पहले नहीं लोगों को इन्फॉर्म किया, इसलिए ये सारे दिहाड़ीदार लोग सड़कों पे आ गए। तो अब हमने स्पेशल ट्रेनें चलाई थी, कराची में आपने कैंट स्टेशन में देखा होगा, वहां पर एकदम से मजमा बन गया था जबकि सिंध ने लॉकडाउन कर दिया था। क्या ये सोचा नहीं था कि ये सारे दिहाड़ीदार, किसी ने केपी जाना है, किसी ने पंजाब में किसी का घर है, तो क्या वो पैदल जाएंगे वहां से? तो मैम एक मिनट, उज्मा साहिबा आपने बिल्कुल सही कहा, आप ये कह रही हैं कि वजीर आजम जो हैं उनको ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये थी
कि लोगों तक इमदाद पहुंचने के मैकेनिज्म को सोचे बगैर लॉकडाउन में क्यों जा रहे हैं, चाहे वो जुजवी लॉकडाउन क्यों ना हो। पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। आपने लोगों को भूख से तो नहीं मारना था ना? बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैम, अब ये मैं यहाँ पे जरा रुमीना से पूछना चाहूंगी और सेनेटर बहरामंद को भी इसमें इंक्लूड करूंगी कि आज भी वजीर आजम ने जब रावलपिंडी कंटोनमेंट हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, जिसमें उन्होंने खुद एतराफ किया है कि खदशा है कि अगले हफ्ते ये मजीद अभी बढ़ेगा और अगले हफ्ते तक बहुत सारा डेटा जो कलेक्ट हुआ होगा उससे काफी चीजें सामने भी आ जाएंगी कि व्हाट इज द रेट। अभी जो रेट है वो 12% है फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट केस केम टिल द टाइम राइट नाउ, मतलब एक एवरेज पे 12% के हिसाब से ये बढ़ रहा है पाकिस्तान में। रोमीना, जनवरी से वो कह रहे हैं हमने नजर रखी हुई थी वजीर आजम साहब ने इसके ऊपर, हमने सारी तैयारी कर ली थी, आज भी उन्होंने कहा, तो उस वक्त क्या आपको लगता है कि वजीर आजम को ये सोच लेना चाहिए था, और तीन सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, उनको सोच लेना चाहिए था कि कोई ऐसा मैकेनिज्म पहले से बना लेते हैं कि अगर हम पार्शियल लॉकडाउन में जाएंगे तो फिर लोगों को किस तरह से हम ये खाना देंगे, फंड्स देंगे, क्या वो उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली थी जो इस वक्त सारा क्रिटिसिज्म जो है वो एक सूबे पर आया, और क्या अभी भी सारे सूबे बिलशमूल सिंध क्या ये मैकेनिज्म तैयार है पूरा? सबसे पहले तो ये दो महीने पहले तक तो किसी एक मिनट उस्मा, लेट रोमीना रिस्पॉन्ड टू इट, आई विल कम बैक टू यू उस्मा, लेट रोमीना रिस्पॉन्ड टू दिस। जी रोमीना, जी मैं कहूंगी कि आपने देखा कि जनवरी से अगर पता था तो देखिए ना, फोर्स भी हमने आज बनाने का ख्याल आया, जनवरी से अगर हमें पता था और उनकी नजर थी तो फंड भी हमने अब बनाया, अब हम सोच रहे हैं, अगर जनवरी से हमें पता था तो आज हमने एहसास जो कोरोना पेज है उसको लॉन्च करने का सोचा, आज हमें लग रहा है कि वॉलंटियर फोर्स जो हमें चाहिए, तो ये तमाम तर बातें अपनी ही बातों के साथ अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं कर रही। ये मैं नहीं कह रही, ये मीडिया भी बता रहा है, ये तमाम तर चीजें दे आर ऑन द रिकॉर्ड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ना ही कोई और कह रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो सी है उसमें आप ये देखिए, सूबों के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन की अगर आप बात करें तो आप कश्मीर को और जीबी को कैसे भूल सकते हैं। आपने कितनी दफा वजीर आजम के मुंह से ये बात सुनी शुरू से लेके अब तक, आप चले कहीं शायद बोल दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप थ्रू आउट आपने देखे कहीं पे उनको आपको ये नजर आई। और दूसरी बात ये कि आज आप कहते हैं कि सिंध में अगर बंद कर दिया तो वो ट्रेनें कैसे चलती हैं, तो जो चाइना में हमारे स्टूडेंट पड़े बैठे हुए थे बीमार थे या नहीं थे, हम उनको या नहीं लेके आ रहे थे कि हमारे मुल्क को खतरा ना हो, अवाम को खतरा ना हो। तो इसी तरह चीजों को मैकेनिज्म या एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स जो लिए जाते हैं ऐसे ही मौकों पे लिए जाते हैं। आपकी एनडीएमए की जो फोर्स है वो कहाँ थी? फिर सबसे जरूरी चीज, आज आप फोर्सेस बनाने की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आप प्रोग्राम के तवसुत से ये सवाल पूछना चाहूंगी गवर्नमेंट को कि 1973 एक्ट के मुताबिक जो एक फोर्स बनी हुई है जिसको नेशनल गार्ड फोर्स कहा जाता है वो कहां पर है? जो लोकल आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनको आप क्यों बहाल नहीं करते? देखिए लेडी हेल्थ वर्कर्स जो उनसे हैं, फिर बैतुल माल जो है, बिस्ट का जो प्रोग्राम है, उनके पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है, आप उस डेटे के एंगेज नहीं करते? और अगर आपको ये पता था जनवरी से तो क्या आपको दिहाड़ीदार याद नहीं थे? क्या आपको डेली वेजेस वाले, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले लोग याद नहीं थे? तो ऐसा माजरत के साथ हमें पर भी नजर नहीं आया। और मैं समझती हूँ कि इस टाइम ना तो ऑपोजिशन जो है वो इन चीजों पे सियासत कर रही है और ना ही हम में से किसी ने किया, हम तो साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन माजरत के साथ कुछ लोगों को लगता है कि वो कुल्लो अकल है और इसीलिए वो सब कुछ कर सकते हैं, जबकि आप देखें बड़ी बड़ी जब इश्यूज होते हैं मुल्की तौर पर तो वहां पर एक दूसरे को साथ लेकर चलना जो है ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौमी इत्तेहाद हो, सब एक पेज पर हो और सब मिलकर मुकाबला करें। बिल्कुल आपने इब्तिदा में सही कहा था रोमीना कि जैसे किसी दुश्मन का सामने के लिए एवरीबडी इज ऑन पेज, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कश्मीर इशू वी आर ऑन द सेम पेज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म वी आर ऑन द सेम पेज, तो इस पे भी होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। सेनेटर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, सिंध को भी बड़ा प्रॉब्लम है जैसे रोमीना भी कह रही हैं, सही पॉइंट आउट भी कर रही हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो जाहिर है कि नौजवान वॉलंटियर्स सब निकलते हैं काम करने के लिए। क्या कबाहत है अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ जो है वो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का ऐलान कर दिया और लोग बकायदा उसमें रजिस्टर भी कर रहे हैं? देखिए नादिया, कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की अनाउंसमेंट की जहां तक बात है, मैं नादिया आपको बताता चलूं कि नेशनल इश्यूज पे और इस वबा में भी प्राइम मिनिस्टर के एटीट्यूड में, बिहेवियर में हमें तकसीम किया है।
और उस वक्त कौम जंग नहीं जीत सकते हैं, चाहे वो एटम बम की जंग हो, चाहे वो कलाशनकोव की जंग हो, चाहे वो वबा की जंग हो, जो भी जंग हो वो कौम जीतती है। लेकिन और अगर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो इस मुल्क के माँ बाप है, और जब मेरे चेयरमैन ने उनको अपना प्राइम मिनिस्टर कंसिडर किया हो कि मेरा आप मेरे प्राइम मिनिस्टर है, आप इस 22 करोड़ आवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का रोल ऐसा होना चाहिए वो कौम को मुतहद रखे, और कौम तब जंग जीत सकती है जब वो मुतहद हो। मैं समझता हूँ कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से तो एक दफा फिर इमरान ने इस मुल्क के वॉलंटियर्स को तकसीम किया, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखता हूँ और इस वक्त मैं तंगी में बैठा हूँ, जो कि कोचे कोचे गली में PPTI के लोग लिस्ट बनाते हैं और वो उसी शनाख्त कार्ड की फोटोकॉपी लेते हैं और उनको बताते हो जिन उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो PTI से ताल्लुक रखते हो। लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, आपके या तो आप लोकल बॉडीज जो है उसको आप बहाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या आप DC हैं, ACs हैं, इंतजामिया हैं, विलेज काउंसिल सेक्रेटरीज रहते हैं, या उनके जरिए जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा है या आपके बैतुल माल का डेटा है। लेकिन एक दफा फिर आप एक तरफ फंड बनाते हैं और दूसरी तरफ उस फंड को आप फिर टाइगर फोर्स के जरिए यूटिलाइज करते हैं, बिल्कुल गलत है। आप पार्लियामानी कमेटी बनाएं, आप मुल्क जब तमाम अपोजिशन जमातों ने आपको वज़ीर आज़म कहा, आपको कहा कि आगे बढ़ो हम आपका साथ हैं, तो आप पार्लियामानी कमेटी बनाएं और इस फंड की मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो पार्लियामानी कमेटी के हाथों में दे दे। अच्छा। कितना फंड आ गया, कहां से आ गया, किसके लिए आया, कौन से मुल्क से आ गया, किसने कितना दिया, और उस फंड को फिर आप यूटिलाइज करें फॉर द सेक ऑफ जनरल मासेस, फॉर द नीडी पीपल ऑफ द कंट्री। अच्छा, ये बात आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कही है कि पार्लियामानी कमेटी शुड ओवरसाइट सो दैट देयर इज अ ट्रांसपेरेंट मैनर ऑफ द रिलीज ऑफ फंड्स के कहां जा रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी सेनेटर साहब कहा है कि ये कोई सियासी फोर्स नहीं बनाई है उन्होंने, सियासत से बालतर होकर ये फोर्स काम करेगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि या तो अगर आपके अगर ट्रस्ट है दूसरे लोगों के काउंसलर्स पे, उनके नाजिम आला पे, उनके नाजिम पे, या अगर उस पे नहीं है तो फिर उन पे आप ट्रस्ट कर ले जो इस वक्त पूरे मुल्क में जो इदारे हैं वो काम करते हैं, उन पे ट्रस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही, एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है, रुमीना ने भी यही वैलिड पॉइंट रेज किया है। उज्मा, एक ब्रेक लेती हूँ, फिर आप आकर इसका जवाब देंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि यूनियन काउंसिल की सतह तक जाकर मालूम किया जाए कि कौन किसको इमदाद की जरूरत है, किसके घर का चूल्हा नहीं जला, ताकि वहां तक जाए। तो ये इसके लिए तो हमारे पास सारे इदारे भी मौजूद हैं, जो मेरे दोनों मोहतरम मेहमानों ने कहा है, क्या हम उस पर नजरसानी कर सकते हैं? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के हवाले से, जो कि प्राइम मिनिस्टर कहती हैं ये वॉलंटियर्स होंगे, और मेरे दोनों मोहतरम मेहमान रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा भी और सेनेटर बहरा मंद भी, उज्मा, ये समझते हैं कि इस वक्त ये सारा काम बल्दियाती इदारे, बल्दियाती नुमाइंदे निचली सतह तक जाके बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में तो जाहिर है अब तो बल्दियाती इंतखाबात भी मौखर करने पड़े, 9 माह के लिए उन्हें मुलतवी किया गया है। लेकिन आप नहीं समझते कि हैड द लोकल गवर्नमेंट बीन इन प्लेस, इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था इस वक्त? नादिया, आप अगर मुझसे पूछें, इस वक्त हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो अपनी पूरी कोशिश और साजिश करे, जो हमारे जो नीडी हैं, जो डिजर्विंग हैं, उन लोगों तक राशन पहुंचाना। इस वक्त हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं डिविजनल लेवल पे, उनकी डेली मीटिंग्स भी होती हैं, फंड्स भी उनके लिए रिलीज हो गए हैं, डिप्टी कमिश्नर के साथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो सारे अभी सिटीजन पोर्टल में, और इसमें प्लीज खुदा के लिए पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की यूथ के लिए पैगाम है कि आप आए और हमारे साथ काम करें। जितने भी लोग हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज के पुराने एक्स मेंबर्स हैं, जो करंट मेंबर्स हैं, इन सारों को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। इस वक्त खुदारा ये ना करें वो क्यों नहीं हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, सब मिलकर निकले। और इस वक्त सबसे बड़ी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पाकिस्तान की इस वक्त आपके सामने है, नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो डेली तकरीबन होती है, प्राइम मिनिस्टर खुद उनकी निगरानी में हो रही है, तमाम सूबे ऑन बोर्ड है। मैं मालूम ये इनके ये क्यों कहते हैं कि किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया,
तमाम से मुशावरत भी होती है, तमाम को जो मसाइल हैं वो बराबर। ठीक है उस्मान, लेकिन क्या मैं मेरा सवाल फिर आपसे वही है, क्या आप एज ए मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली ये नहीं समझती कि जो काम जाहिर है इस वक्त इस रिलीफ टाइगर फोर्स से कराना है वो एक्चुअली बल्दियाती नुमाइंदे बिल्कुल इसी तरह से निचले लेवल तक जाके कर सकते थे। लेकिन नादिया इस वक्त देखिए हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट है वो पास तो हो गया था असेंबली से, लेकिन अब इसमें हमारे हम अगर ये नागरहानी आफत ना आती तो हमने इंशाल्लाह फिर इन 6 to 9 months इलेक्शन करवा लेने थे। लेकिन अब एक ये चीज ऐसी है कि आप क्या कर सकते हैं इस वक्त, आप ये तो नहीं कर सकते कि बाकी सारी पर्से पुश डाले चीजें और अब बिल्कुल सही है चले जाए। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ जब ये लोग इस तरह की बात की, तो बिल्कुल एक सियासी बात है, इस वक्त आप सियासत से मुबर्रा होकर सोचिए। ठीक है, मुझे एक चीज बताएं इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ये जो रिलीफ टाइगर्स हैं जाहिर है पंजाब में भी होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे, सिंध में भी होंगे, इनके जरिए क्या राशन की तकसीम की जाएगी, इनके जरिए क्या आगही दी जाएगी लोगों को? ये सारे जो यूथ है तकरीबन पहले दिन ही 90,000 सारे सूबों से मिला के हो गए हैं, ये डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर काम करेंगे, इनकी ट्रेनिंग की जाएगी, ठीक है, ये राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये आगाही जो मुहिम है उसमें भी पेश रहेंगे, जहां जहां मतलब जरूरत पड़ेगी वहां पे ये जो है काम के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वैसे ये बड़ी जिम्मेदारी है रोमिना, क्योंकि आप ये देख रही हैं अल्लाह ताला बचाए इस वबा को फैलने से रोके, इस वबा का खात्मा हो, इस कुर्रा अर्ज से अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, लेकिन इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि ये अगर नौजवान हैं, इनकी ट्रेनिंग जैसे उज्मा कह रही हैं होगी, इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी बड़ा काम करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अभी तो डॉक्टर्स के ही पूरे किट्स के हवाले से कुछ यंग डॉक्टर्स जो हैं वो भी शिकायत कर रहे थे, और ये गवर्नमेंट ने भी कहा है कि यू नो हम जल्द से जल्द इनको इनका जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो देना चाहते हैं। आप समझती हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा ये पूरा जो इसका मैकेनिज्म है ऑफ द टाइगर फोर्स? बड़ी माजरत के साथ अभी तक गवर्नमेंट जो है वो अभी तक इसी चीज को समझ नहीं पाई कि कोई भी ऑपोजिशन की जमात जो है वो सियासत बराए सियासत या तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रही, क्योंकि तमाम तर लोग अपनी कैपेसिटी में और अपनी कैपेसिटी से बढ़कर सब लोग काम कर रहे हैं। जरूरी ये भी नहीं होता कि हर कोई ढंडोरा पीट पीट के करे और यहाँ सिर्फ चंदा मांगना ही ये काम है, हर कोई अपनी कैपेसिटी में बेशक कर रहा है, लेकिन इस टाइम जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप ये देखें कि जब आप एक फोर्स बना रहे हैं तो आपको उसको ग्रूम करने की जरूरत है, पहले उनको आप ट्रेन करेंगे, फिर आपको उससे भी ज्यादा जरूरी इस टाइम उनकी प्रोटेक्शन है, और इन तमाम तर चीजों से ज्यादा जरूरी नादिया एक और एलिमेंट जिसको हम निग्लेक्ट करते जा रहे हैं वो ये कि हम पैरामेडिक्स की नो डाउट बात कर रहे हैं, वो बहुत अजीम है और वो काबिले तहसीन है नो डाउट, लेकिन इस टाइम वो महकमे के लोग या वो लोग जो कि सैनिटेशन का काम करते हैं, सफाई कूड़ा करकट का काम करते हैं, उनकी तरफ किसी तरह इस टाइम ध्यान नहीं है कि क्या वो लोग जो कचरा उठा रहे हैं, गार्बेज उठा रहे हैं और पता नहीं किस तरह से वो फेस करें, उनकी प्रोटेक्शन कितनी हुई है या नहीं हुई। सही, और उसके अलावा आपके पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर बात हुई तो इसमें क्या मुजायका है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सियासी नहीं है तो पार्लियामेंट की तमाम तर कमेटी में लोग तो ज्यादा गवर्नमेंट के होंगे, अगर वहां पर सब लोग मिलकर काम करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और दूसरा मैं फिर यहाँ पर यही कहूंगी कि जो फोर्सेज ऑलरेडी मौजूद हैं, देखिए हेल्थ वर्कर जो होती है अगर वो यूसी लेवल या किसी भी जगह की है तो उसको पता है कि किस घर में कितनी औरत कितने बच्चे और कितने लोग हैं, उसी तरह जो बैतुल माल की कमेटी और दूसरे तीसरे तमाम तर लोग, लेकिन हम लोगों को आदत हो चुकी है कि हम सिर्फ एक ही अदारे के ऊपर वजन डालना पसंद करते हैं, और वो आप सब जानते हैं कि हम लोग अपनी बेशक पाक फौज जो है हम उनको सलाम पेश करते हैं लेकिन हम हर चीज में उन्हीं को एंगेज करते हैं, जबकि तमाम तर टैक्स पेयर की पैसे से जो आपके पास पहले से फोर्सेस मौजूद है उनको आप क्यों एक्टिवेट नहीं करते? आप इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे, क्या हमारे पास इतना वक्त मौजूद है कि हम उन लोगों और फिर आप उन पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे कि उनकी प्रोटेक्शन करें? डॉक्टरों को तो किट्स मिल नहीं रही, आज भी अगर आप मैं एक हॉस्पिटल गंगाराम हॉस्पिटल में ये तो लाहौर से है उधर देखिए वहां पर अभी तक डॉक्टर्स को किट्स नहीं मिली है ओपीडी में या दूसरे तो ये तजवीज बिल्कुल बुरी नहीं है, और के आपने सही कहा कि ऑलरेडी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपने कैशमेंट एरिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ज़कात उशर कमिटीज वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और
एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, वो ये कि देखिए आपको कोई नहीं कह रहा कि आप इलेक्शन करवाएं, हम कोई सियासत नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये तो कर सकते हैं ना कि जो आपके पास एक्स मेंबर्स हैं, चाहे वो पीटीए के हैं, पीएमएलएन के हैं, पीपल्स पार्टी के, किसी भी जगह के हैं, आजादी को इकट्ठा कर ले, आप अगर इकट्ठा करते हैं उनको आप टाइगर फोर्स का नाम दे लें, अगर आपको बहुत जोर से कोई फोर्स आई हुई है तो आप उनको बता लें, क्योंकि दे आर फ्रॉम द लोकल लेवल्स, दे नो, उनको अपनी यूसीज का पता है, उनको अपने लेवल का पता है। सही सही, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन, हां दैट्स अ वेरी गुड सजेशन सेनेटर साहब, आप भी समझते हैं, लेट्स फॉरगेट, नाम को छोड़ दें, लेकिन क्योंकि काम करवाना है सबने, तो इस वक्त जो पुराने थे जहां पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके, बल्दियात का निजाम नहीं है, पुराने वालों को ले लेना चाहिए इस फोर्स के अंदर, क्योंकि वो हर सतह पे जाके काम कर सकेंगे। देखिए मेरी बात सुने, दो 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 डिजास्टर्स होते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर है, एक मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में फ्लड होता है, वहां पर अर्थक्वेक होते हैं, तो उसमें आवाम को इकट्ठा करना ये मुश्किल और खतरनाक नहीं होता है, लेकिन नादिया इस वक्त जरूरत इस बात की है कि अगर सपोज हम कोई साजिशात बंदा किसी के साथ सपोर्ट करना चाहते तो वो भी जिस मैकेनिज्म से करते हैं कि लोग भी इकट्ठा ना हो और मैं अपने हकदारों को हक भी पहुंचाऊं। लेकिन ये जो मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं, ये इस वक्त आपके लेडी हेल्थ वर्कर्स है, पोलियो वर्कर्स है, आपके बैतुल माल है, आपके लोकल बॉडीज के नुमाइंदे है, आपकी मतलब के सेक्रेटरीज के लेवल पर, विलेज काउंसिल के सतह पर आप सेक्रेटरी ऑफिस है। लेकिन एक दफा फिर हमने पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर लिया इस कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स पे, और वो ये है कि वो जब लिस्ट बनाते हैं, शनाख्त कार्ड लेते हैं, तो वो फिर एक मैसेज देते हैं गरीब को कि आप अगर परस करे पीटीआई में होते तो अभी आज का आपका मैं नाम ले देता इस बार, और आपसे शनाख्त कार्ड में ले रहता। और या इसमें ऐसे लोग भी है कि वो किसी और पार्टी से, एमपी से, पीपल्स पार्टी से या किसी और जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो वो शर्म के मारे उनके पास नाम दर्ज नहीं करते हैं कि तो पीटीआई के वर्कर करते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की नहीं है, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे, उनको वक्त इज द टाइम इज मनी राइट नाउ। बिल्कुल, इस वक्त नादिया मैं आपको बता रहा हूँ कि मुश्किल से हम दो चार है, हमें सीरियसनेस दिखाना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, हमें कौन को एक पिच पे लाना चाहिए, हमें अपोजिशन जमातों के पिच पे लाना चाहिए, हमें सियासत करना है वो सियासत के वक्त हम करेंगे, हम सियासत भी करेंगे, हम इलेक्शन भी करेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैंने जब 2 महीने पहले अवेयरनेस सेशन के बारे में कहा था, मैंने नेशनल हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी की एडवाइजर जफर मिर्जा को मैंने कहा कि यू आर नॉट सीरियस, प्लीज फॉर गॉड सेक आप अवेयरनेस सेशन शुरू करें, आप बॉर्डर को बंद करें, आप एयरपोर्ट्स को बंद करें, आप लोगों की स्कैनिंग करें, आप उनकी टेस्ट करें। लेकिन आज मैं आपको एक बात मैं बता दूं, मैं तंगी से बिलोंग करता हूं, मेरा डॉक्टर भाई है डॉक्टर निहार तंगी, उसका बेटा वहां चाइना में है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है एमबीबीएस का, वहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है मेरे घर के साथ, उसको क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किया है, उसमें बेड नहीं है, उसमें मेरे भाई या उसकी स्टॉप के लिए किट नहीं है। जब मेरा भाई सुबह जाता है तो मैं उनको कहता हूं खुदा का खौफ करे क्या कह रहे, और वो कह रहे कि ये दिस इज माई मॉरल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल प्रोटेक्ट, आई विल सपोर्ट द गवर्नमेंट, आई विल सपोर्ट माई तंगी पीपल। लेकिन मैं ना भी आपको एक बात बता दूं कि क्या मेरे भाई की फैमिली नहीं है, क्या मेरे भाई आपके गांव तंगी गुलाबाद में नहीं आते? अभी मैं आपने हुजरे में बैठा हूं और मेरे भाई ये बातें सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त के खैबर पुख्तनख्वा में ऐसा लग नहीं रहा है कि हुकूमत है या कोई वबा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि लोग डरते हैं कि अगर हम घरों में बैठ गए तो कोई राशन नहीं मिल रहा, कोई रिलीफ नहीं आ रहा है, कोई 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 सपोर्ट नहीं करने नहीं आ रहे, वो जात के काम करते हैं, और इस तरीके से ये जो वबा है, खुदा न करे, खुदा न करे, इमरान से लेके, इमरान से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे तक और हमारे से लेके इस मुल्क के एक अदना वर्कर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बचाए, इसलिए कि ये मुल्क है तो हम होंगे अगर हम है। आपने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जिक्र किया और आपकी शिकायत है खैबर पख्तूनख्वा के, इस वक्त हमारे साथ क्योंकि दूसरे हुकूमती नुमाइंदे नहीं है कि मैं उनसे भी, जाहिर है कि आपने जो कहा रिस्पॉन्स लेती है, लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जो सजेशन रुमीना साहिबा ने भी दे रही है, उज्मा साहिबा, जो सेनेटर साहब भी कह रहे हैं,
देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि टाइम इज मनी। आज शायद खाकान अब्बासी भी कह रहे थे कि 2.5 गुना रोजाना ये बढ़ रहा है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, एंड यू नो इट बेटर जिस तरह से आप लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं इसमें। सो उज़मा आप नहीं समझती कि ट्रेनिंग में बड़ा टाइम जाया हो जाएगा, एंड देयर इज नो हार्म। जब आप कहते हैं कि ये सियासी फोर्स नहीं होगी तो एक्टिवेट कर दें पुराने लोगों को भी, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पास एक पूरा ज़कात हो गया उशर बैतुल माल, और जिस तरह से बताया लेडी हेल्थ वर्कर्स, हमारे पोलियो वैक्सीनेटर्स, ये सब के सब मिलकर इसमें काम करें। नादिया मैं तो आपके मेहमान की बातें सुन के बहुत हैरान हुई हूँ। ये क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है वो घुरे पार अपने तमाम मसाइल को नहीं लेके आ रही है? इस वक्त तमाम जो हुकूमत है, जो हेल्थ वर्कर्स है, हो गया आपका विप हो गया, ये सारे जो है मुतहरिक हैं इस वक्त। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है नादिया, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि जो ईडी साहब के बेटे ने क्यों अपने सब खाने बंद किए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों को ट्रेनिंग नहीं है कि कोरोना के लोगों को किस तरह हमने बताना है। कोरोना जो है आम चीज नहीं है जिसकी ट्रेनिंग सारा हो, सबको दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, चाहे वो आपके हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे वो आपके कोई सैनिटरी वर्कर्स हो, सबको नए सिरे से ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि इसका बचाव जो है वो किसी को नहीं पता। ये जो हमें चाइना से इस वक्त हेल्प आ रही है, या जो हमें WHO से हमें गाइडेंस और एडवाइजरीज आ रही हैं, उसके मुताबिक हम सबको ट्रेनिंग इस वक्त दे रहे हैं। और आपको मैं बताती चलूं कि इस वक्त कोई किसी को हाथ नहीं पकड़ाना, सिर्फ एक चाइना है जो इस वक्त हमारी इमदाद कर रहा है, और हमें हर किस्म की प्रोटेक्टिव किट, बाकी इक्विपमेंट, स्कैनर, वेंटिलेटर, यहाँ तक के उनके अपने डॉक्टर्स की टीम जा रही है यहाँ पे, बिल्कुल सही, हेल्प करने के लिए, हमें ट्रेन करने के लिए। तो ये सारी बातें क्या इनको नजर नहीं आ रही है? ये क्यों ऐसे कह रहे हैं? आप आए हमारे साथ, आप देखें PM पोर्टल जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है, ठीक है, वो किसी PTI बंदे के लिए। आप समझती हैं इस वक्त जो ऑपोजिशन जमातें बार बार कहती आई हैं कि कौमी इत्तेहाद की जरूरत है, डू यू थिंक उज़्मा कि दिस कौमी इत्तेहाद इज लैकिंग? व्हाट इज लैकिंग? कौमी इत्तेहाद जिसके लिए बार बार ऑपोजिशन कह रही है कि इस वक्त कौमी इत्तेहाद की जरूरत है, वजीर आजम आगे बढ़े और एक सारी पार्टियों के साथ मिलकर काम करें। वजीर आजम ने क्या कुछ नहीं किया? देखिए पहले उन्होंने असद कैसे की ड्यूटी लगाई, उन्होंने तमाम पार्टी के लीडरान के साथ रब्ता किया, सेनेट के जो चेयरमैन ने तमाम से रब्ता किया, सारों के साथ मीटिंग हुई। किसने है कि वो प्राइम मिनिस्टर आए, अब इनको ये शिकायत है वो जल्दी चले क्यों गए? आपको पता है कि उनकी बैक टू बैक पूरा दिन मीटिंग चलती है, सारों ये जो नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग है इन सबके चीफ मिनिस्टर वहां बैठे हैं। नहीं चीफ, ये बात देखिए, चीफ मिनिस्टर्स का नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में होना, और ये बात क्योंकि मेरे आखिरी 3 मिनट हैं, एंड आई वुड लाइक बोथ ऑफ माय अदर गेस्ट आल्सो टू रिस्पॉन्ड टू दिस, कि उज़्मा कह रही है जब चीफ मिनिस्टर बैठते हैं जाहिर है उसमें नून का भी है, उसमें पीपल्स पार्टी का भी है, उसमें PTI के भी हैं, तो फिर और कौन सी आपको कौमी इत्तेहाद चाहिए? सब है ना ऑन बोर्ड। नादिया आप मुझसे कह रही हैं? जी रुमीना आपसे कह रही हूँ। हेलो, जी रुमीना आपसे कह रही हूँ, आप जवाब दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है, आप देखिए कि उन्होंने कहा, मोहतरमा ने तो बात ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा PM तो इतने बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, आप मुझे बताएं जहाँ पर वो लोग, बाकी क्या लोग पाकिस्तान के मजाक है कि वो लोग जो सब मिलकर अपनी अपनी आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए सब लोग वहां पर मौजूद हैं और उसमें तजर्बा कार भी हैं, मिलजुल के आपके पास आए हैं, हम लोग सब लोग बैठे और मतलब जो बात करने के लिए यार, PM अपनी बात करके वो जा रहे हैं, तो फिर ये कौन सी मीटिंग थी? फिर तो ये वही था कि जिस तरह की एक आप TV पे आते हैं, खिताब करते हैं और लॉकडाउन और कर्फ्यू नहीं समझा पाते तो उस कंफ्यूजन में रहते हैं। सो दिस इज नॉट द टाइम, हम लोग सब चाहते हैं और कौमी इत्तेहाद नजर नहीं आता, ये हम सब जानते हैं, ये बड़ी खुला और प्रॉपर बात है। और ऑपोजिशन तो तमाम तर जमाते जो है वो हर तरह से सपोर्ट भी कर रही है, इसी तरह से शहबाज साहब जिस तरह से
रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर्स को, वो किसी से पूछ के नहीं कह रहे कि तुम पीटीआई के हो, पीएमएलएन के हो या पीपल्स पार्टी के हो, किसके हो। यहाँ पर इस वक्त बात सिर्फ और सिर्फ अवाम की है और ये चीज आज की नहीं। और आपको तो इस चीज से भी फायदा उठाना चाहिए कि माजी में तमाम तर लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है डेंगू जैसे मसले को और बहुत सारी और चीजें। सही सही, इट्स माय लास्ट मिनट, आई वुड वांट के सेनेटर साहब भी इस पे रिस्पॉन्ड कर दें कि कौमी इत्तेहाद एग्जिस्ट करता है, उज़्मा कहती है तभी वज़रा आला सारे मौजूद होते हैं ना, इसीलिए तो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी गई थी। जी बहरामन साहब, देखिए मेरी बात सुने, एनसीसी मीटिंग इत्तेहाद का और इत्तेफाक की अलामत नहीं है। एनसीसी मीटिंग का मतलब ये था कि वो तमाम जो सीएम साहिबान है वो अपनी अपनी और उनको मतलब के डिस्कस कर ले और मशवरे दे दें। देखिए इत्तेहाद इत्तेफाक और कौम सब बनती है जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़े। और पूरी दुनिया इस वक्त सोशल मीडिया पे, इस वक्त नेशनल मीडिया पे, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, इस वक्त तमाम दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है कि अभी तक पाकिस्तानी कौम कौम की शक्ल में आगे नहीं बढ़ रही है। ये जिम्मेदारी है हुकूमत की, ये जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की कि आगे बढ़े, इसलिए कि हम अपर करते हैं। देखिए ये सीखने को देख लें, इसकी चलाने को देख लें, यही इत्तेहाद की बात है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आवाज क्योंकि आवाज अब बिल्कुल कट रही है उज़्मा आपकी, लेकिन अपने आप को बचा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया है, आई हैव टू क्लोज द शो। अपोजिशन डिमांड कर रही है कौमी इत्तेहाद किया जाए ताकि पूरी कौम में मिल करके फाइट करने की हो, लेकिन सब अपने तही बिल्कुल इस वक्त जाहिर है इसके खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। जो सबसे अच्छी बात यह है वो ये है कि दो हफ्तों के लिए मजीद इस बंदिश को, इस लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए सारे सूबों ने कहा है, उससे होगा ये। और इस वक्त खुद मामले खुसूसी बराए सेहत ने कहा है कि इस पे जितना सख्त इत्तलाक किया जा सके किया जाए, प्लीज घर से ना निकले, जितना हम अंदर रहेंगे जितना महदूद रहेंगे हम इसके फैलाव को रोक सकेंगे। और जो ये 12% भी एवरेज अगर राइज कर रहा है ये भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा। दुआ भी करनी है और दवा इसकी यही है कि एहतियात करनी है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, रुमीना उज़्मा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर साहब आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपके साथ नशिस्त रखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो आपकी शिकायतें हैं हुकूमती नुमाइंदे से भी पूछेंगे कि उन शिकायतों का अजाला कैसे किया जाएगा। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।